हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड। जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और ये काफ़ी यूएस वीज़ा के जो इंटरव्यू में जो लेटेस्ट चेंजेस किए गए हैं, जो कि 1 सितंबर से जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और ये खासकर जो इंडियन सिटीजन्स के लिए किया गया है, क्योंकि जो अभी यूएस वीज़ा का जो अप्रूवल प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो उसी को जो है बेसिकली थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जिससे कि जो है यूएस वीज़ा के लिए जो इतनी लंबी लाइन लगती है, और जब आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें भी जो है काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उस चीज़ के लिए जो है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अभी यूएस कंसुलेट ने जो है एक लेटेस्ट ऑर्डर निकाला है, नियम निकाला है, जो कि सितंबर से जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि क्या ये इम्पोर्टेंट रूल है, और ये बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा B1 B2 और इसके अलावा जो है अदर वीज़ा के लिए भी एप्लीकेबल है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा जो ऑर्डर बता सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट रूल में चेंज आया है, द यूएस इज़ वर्किंग ऑन मेकिंग द वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस शॉर्टर फॉर इंडियन नेशनल्स। जो भी इंडिया से जो है यूएस के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो प्रोसेस शॉर्ट करने के लिए सेप्टेम्बर 1, मतलब इस महीने से अप्लाई किया गया है। और उसके अलावा क्या है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनको वेवर मिल रहा है जो मैंडेटरी इंटरव्यू है, तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली अगर पूरी फैमिली जा रही है उसके अंदर जो है कुछ लोगों को वेवर मिल सकता है, और वेवर का जो है क्राइटेरिया है, इन अ कम्युनिकेशन टू ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जो यूएस कंसुलेट है, सेट द इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसीलिए टर्न अराउंड टाइम को जो है रिड्यूस करने के लिए, वीज़ा रिन्यूअल को फास्ट करने के लिए ये जो स्टेप उठाया जा रहा है। एप्लीकेंट्स रिन्यूइंग देयर यूएस वीज़ा, इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक तो चिल्ड्रंस है जो कि 14 साल से कम है, और एक है सीनियर सिटीजन्स जो कि अबाउट द एज ऑफ 79 कैन क्वालिफाई फॉर एन इंटरव्यू वेवर। तो मेन चीज़ यही है कि उनको इंटरव्यू से वेवर मिलेगा, अब उनको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है वाइल अप्लाइंग फॉर यूएस वीज़ा स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं दे विल बी अप्लाइंग फॉर इंटरव्यू, तो अल्टीमेटली बच्चों के लिए और जो सीनियर सिटीजन अबाउ 79 एज दे विल हैव वेवर फॉर दिस इंटरव्यू। द यूएस कंसुलेट एंड VFS ग्लोबल विच प्रोसेस यूएस वीज़ा एप्लीकेशन इंडिया डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू एन ईमेल सीकिंग कमेंट स्टिल प्रेस। और अभी क्या है कि यूएस कंसुलेट स्टेटेड दैट सेप्टेम्बर 1 एलिजिबल एप्लीकेंट्स मस्ट शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट डेट इन ऑर्डर टू ड्रॉप ऑफ देयर पासपोर्ट एंड वीज़ा एप्लीकेशन मटेरियल्स एट 1। तो अल्टीमेटली अब जो है वीज़ा चाहे वो B1 या B2 या कोई भी वीज़ा हो, उसको जो है फास्ट करने के लिए अभी कम से कम एक एक इंटरव्यू में कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है अगर फास्ट भी करें। उसमें जो है जो चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स और 79 ईयर्स के ऊपर वाले जो सीनियर सिटीजन, उनके लिए वेवर है। दोस्तों, ये था आज का बेसिकली अपडेट यूएस वीज़ा का, जो लेटेस्ट चेंजेस हैं उसके बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।